हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। सो सबसे पहले हम लोग सॉलिड्स का जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि सॉलिड्स के जनरली जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए आइए सॉलिड्स के जनरल प्रॉपर्टीज, आप इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। सॉलिड्स के शेप और साइज फिक्स्ड होते हैं क्योंकि सॉलिड्स के शेप और साइज जनरली बच्चों चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, That means इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हम लोग अगर सॉलिड्स के शेप को बदलने की भी कोशिश करें तो जल्दी वो चेंज नहीं करता है, क्योंकि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स आपस में। चलिए एक चीज और है बच्चों की कुछ सॉलिड्स में शेप साइज बदल भी सकता है, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस में कुछ सॉलिड्स के हम लोग शेप साइज बदल सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेचेबल रबर की बात करते हैं, रबर बैंड, अगर रबर बैंड को हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो अंडर द फोर्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये रबर बैंड का शेप और साइज जो है वो चेंज कर जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अप्लाइंग फोर्स को हटाते हैं, हम लोग रिमूव करते हैं, तो फोर्स का इफेक्ट जब खत्म होता है तो वो फिर से रीगेन कर लेता है, वो अपना शेप फिर से रीगेन कर लेता है। तो कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके शेप साइज को हम लोग बदल भी सकते हैं, बट जनरली अगर देखें तो सॉलिड्स के फिक्स्ड शेप होते हैं और साइज होते हैं। दैट मीन्स कि सॉलिड जो होते हैं बच्चों वो हार्ड होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरा है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स के वॉल्यूम फिक्स होते हैं, सॉलिड्स अलग अलग जगह पर उनका अलग अलग वॉल्यूम नहीं होता है बच्चों। अगर कोई सॉलिड है तो हर जगह उसका वॉल्यूम उतना ही होता है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब आप जानते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए मैटर। तो सॉलिड अपना जगह जो है हर एट एनी प्लेस वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है, क्यों सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है। थर्ड नंबर, सॉलिड्स कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइड प्रेशर। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों फर्स्ट पॉइंट में, तो सॉलिड्स को हम लोग अगर कॉम्प्रेस करना चाहें तो ये कॉम्प्रेस नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड्स तो हार्ड होते हैं। तो क्यों सॉलिड्स हार्ड होते हैं, क्योंकि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस कम होने की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सॉलिड्स को हार्डली कॉम्प्रेस किया जा सकता है। एक्सेप्शनल केस में हमने बताया था आपको कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग फोर्स हटाते हैं तो उसका इफेक्ट हटता है तो फिर से रीगेन कर लेता है अपना सही। बट ये हार्डली कॉम्प्रेसिबल क्यों है, सॉलिड्स इसलिए हार्डली कॉम्प्रेसिबल है क्योंकि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। ऑफकोर्स बच्चों सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, क्योंकि सॉलिड्स फ्लो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होने की वजह से, एंड देयर इज नो स्पेस, नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, दैट मीन्स कि काफी कम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। सो पार्टिकल्स को मूव करने का भी
मौका अच्छे से नहीं मिल पाता है, वो अच्छे से मूव भी नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरे को स्लिप ओवर करके आगे भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं फ्लो करते हैं सॉलिड्स? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स की वजह से और लेस इंटर पार्टिकल स्पेस की वजह से। फिर देखिए, सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आप जानते हैं बच्चों, हमने पिछले क्लास में डिफ्यूजन के बारे में बताया था आपको कि जब किसी एक सब्सटेंस का पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच मौजूद वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। सॉलिड्स में डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी नहीं होता है बच्चों। अगर देखा जाए, हम आपको एक एग्जाम्पल दें कि एक आयरन का मेटल, एक जिंक का मेटल, अगर दोनों को एक दूसरे के क्लोज ला करके रखते हैं, दोनों को सटा कर रखते हैं, तो क्या देखते हैं कि दोनों में डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब कि एक का पार्टिकल्स दूसरे के पार्टिकल्स के बीच वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, तो सॉलिड्स आपस में डिफ्यूज नहीं होते। बट एक्सेप्शनली बच्चों, इसी बोर्ड की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन केस में अगर बोर्ड पर चौक से हम लोग लिखते हैं तो कुछ दिन ऐसे ही लिखा हुआ बोर्ड पर छोड़ देने के बाद जब हम लोग फाइनली मान लीजिए कुछ सप्ताह के बाद, एक सप्ताह दो सप्ताह के बाद देखते हैं और जब उसे रब करते हैं, उस राइटिंग को, उस लिखावट को रबिंग करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो पूरे तरीके से नहीं हटता, वो उस पर रिमार्केबल रह ही जाता है। क्यों? वो बाद में भी पढ़ने में आता है, मिटाने के बाद भी, क्योंकि चौक का पार्टिकल्स बोर्ड पर डिफ्यूज हो चुका है। तो समटाइम्स इन सम केसेस डिफ्यूजन होता है, बट जनरली सॉलिड सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता। वजह क्यों नहीं सॉलिड्स डिफ्यूज कर पाते? मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है, ये एक दूसरा सॉलिड है, इन दोनों के पार्टिकल्स होते हैं। अब तो जानते हैं बच्चों कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस सॉलिड में भी तो वही है, दोनों सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और देयर इज नो स्पेस, आई मीन कि वेरी लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स को मूव करने का मौका मिलता ही नहीं, पार्टिकल्स को डिफ्यूज करने का मौका मिलता ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं कर पा। देयर इज लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए सॉलिड एंड ऑल्सो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, हेंस पार्टिकल्स कांट मूव फ्रॉम वन मैटर टू द अनदर। सिक्स्थ नंबर देखें, सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चों सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। क्यों सॉलिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं? क्योंकि सॉलिड्स को मेल्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्गली उसे एनर्जी देना होगा। ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड। किसी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ए लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ती है, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ताकि वो जो फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल्स वो ब्रेक डाउन हो जाए। इसलिए बच्चों सॉलिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि उस ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी सॉलिड्स मेल्ट करेगा, देन आफ्टर बॉइल करेगा। ओके, अब बच्चों हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे। लिक्विड्स का जनरल प्रॉपर्टीज, सॉलिड के जितने भी जनरल प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, वेरी सिंपल है। अब हम लोग लिक्विड्स के जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स के फिक्स्ड वॉल्यूम तो होते हैं बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है बच्चों। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि एक ग्लास में मैंने 200 ml वाटर रखा, 200 ml,
So 200 ml is the volume of the water. 200 ml water का volume हो गया. अब इस इतने ही 200 ml glass of water को किसी दूसरे container में डाल देते हैं. उसका shape जो है वो इस तरीके से different shape. तो ये cylindrical से आएंगे आपका spherical में. अब इसमें डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 200 ml तो रहेगा, वाटर तो बच्चों उतना ही रहेगा जितना पहले था. 200 ml पूरा वाटर उसमें डाल दिया दूसरे कंटेनर में, तो वाटर तो उतना ही है 200 ml. बट शेप तो देखिए आप, शेप तो बदल गया. ये देखिए इस ग्लास में वाटर का शेप, इस कंटेनर में वाटर का शेप. और अगर इसी वाटर को किसी तीसरे कंटेनर में मान लीजिए कौन कोनिकल फ्लास्क की तरह शेप में अगर हम डाल दें, कोनिकल फ्लास्क के शेप में डाल दें, तो फिर उसका भी शेप जो है वो चेंज हो जाएगा. तो वॉल्यूम तो बच्चों तीनों कंटेनर में सेम है, 200 ml 200 ml 200 ml, बट शेप आप देख सकते हैं. इसका मतलब कि लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है. सो लिक्विड्स के फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं, लेकिन फिक्स्ड क्या होते हैं, वॉल्यूम होते हैं. चले दूसरा आते हैं, लिक्विड्स हैव फ्लूडिटी. लिक्विड्स के लिक्विड के पास फ्लूडिटी प्रॉपर्टी होता है. लिक्विड्स के पास बच्चों फ्लूडिटी प्रॉपर्टी होता है. और लिक्विड्स के फ्लूडिटी प्रॉपर्टी क्यों होते हैं, क्यों लिक्विड्स फ्लो कर सकता है, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा होता है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स पार्टिकल्स के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है, वीक होता है. सो लिक्विड्स पार्टिकल कैन मूव, कैन स्लिप ओवर टू वन अनदर, एक दूसरे से स्लिप ओवर कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड जो है वो फ्लो करता है. क्यों लिक्विड फ्लो करता है, क्योंकि लिक्विड्स के इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड्स के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होता है और वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से पार्टिकल्स कैन स्लिप ओवर टू वन अनदर टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करते हैं. थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी. यस, लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है. सॉरी बच्चों, सॉलिड्स में लगता है हम लोगों ने सॉलिड्स की डेंसिटी मेंशन नहीं किया था, हमने बताया नहीं था आपको, बट आप याद रखें कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, जबकि लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स के कंपेयर में कम होती है. क्यों, ये दिखाते हैं आपको. डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम. अब देखो आप तो जानते हैं कि बच्चों सॉलिड्स में वॉल्यूम, सॉलिड्स वॉल्यूम काफी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो कम लेता है. तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम से देखिए आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा. अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा, अगर वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम. तो वैसे ही सॉलिड्स में वॉल्यूम कम होता है, इसलिए सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है. और लिक्विड्स की वॉल्यूम जो होती है वो सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होती है, तो लिक्विड्स की वॉल्यूम जब ज्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होगी. ओके, सो लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स. फोर्थ, पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट, यहां लिक्विड, पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट कैन इजिली डिफ्यूज. बच्चों लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं बड़ी इजिली डिफ्यूज कर जाते हैं. सबसे सिंपल एग्जाम्पल देते हैं आपको, वाटर, मिल्क में वाटर को मिला देना, मिक्स कर देना, बड़ी इजिली मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलता है. या फिर वाटर में कोई एसिड है जो है वो मिक्स कर देना. लिक्विड्स, लिक्विड्स बड़ी इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो सॉलिड्स के कंपेयर में ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से पार्टिकल्स इजिली डिफ्यूज कर सकते हैं, एक दूसरे पे डिफ्यूज कर सकते हैं. सो लिक्विड स्टेट में डिफ्यूजन रेट सॉलिड से कंपेयर में फास्ट होता है. अब फाइव नंबर देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट इज मोर देन
द सॉलिड स्टेट. जी हाँ, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है सॉलिड से. क्यों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है? काइनेटिक एनर्जी पता है आपको? काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एनर्जी. पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो उनके मूव करने का जो एनर्जी होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में पार्टिकल्स का ज्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा. क्यों? क्योंकि लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है. सो पार्टिकल्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू मूव. सो काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स के वो ज्यादा होते हैं. क्यों भाई? क्योंकि लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं. ओके, अब हम लोग देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों. गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप. गैसेस के कोई भी फिक्स शेप नहीं होते. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैसेस सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस गैसेस का बच्चों सबसे ज्यादा होता है. सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो उनसे ज्यादा होता है. सो गैसेस के फिक्स शेप नहीं होते हैं और ना ही फिक्स वॉल्यूम होते हैं. गैसेस के वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता. हम चाहे तो यहां पर पॉइंट में हम लोग ऐड भी कर सकते हैं बच्चों, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. गैसेस के वॉल्यूम भी बच्चों फिक्स नहीं होते हैं. वो एयर में आते ही टोटली डिफ्यूज करने लगते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ते ही जाता है. सेकंड, गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी. गैसेस में सबसे ज्यादा फ्लूडिटी होती है क्योंकि गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस भी सबसे ज्यादा होता है. सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस में अगर कंपेयर किया जाए बच्चों तो इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैसेस में होती है. तो गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स को मूव करने का मौका ज्यादा मिलता है. सो फ्लूडिटी जो है गैसेस में सबसे ज्यादा होती है और गैसेस में रिजिडिटी कम होती है. मतलब कि गैसेस लीस्ट रिजिडिटी होते हैं, काफी कम कठोर, सबसे कम कठोर गैस होते हैं. क्यों? क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. सबसे कम इंटर पार्टिकल फोर्स गैसेस में होते हैं बच्चों. सबसे स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स सॉलिड्स में होते हैं, फिर लिक्विड्स में, उसके बाद और उसके बाद सबसे कम किस में होते हैं? गैसेस में. इंटर पार्टिकल फोर्स की बात कर रहा हूं तो गैसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होता है. इस वजह से पार्टिकल्स जो है, क्योंकि स्पेस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए गैसेस जो होते हैं सबसे लीस्ट रिजिडिटी होते हैं और गैसेस की फ्लूडिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा गैसेस में होती है. स्पेस जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सबसे ज्यादा गैस में होती है. थर्ड नंबर, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. गैसेस सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है. सबसे ज्यादा गैस को हाईली कॉम्प्रेस किया जा सकता है क्योंकि गैस में पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? गैप होते हैं. तो पार्टिकल्स के बीच में अगर गैप होगा, स्पेस होगा, तो उसे हम लोग कॉम्प्रेस तो कर सकते हैं ताकि ये कॉम्प्रेस होकर के जितना जब तक कि पॉसिबल है तब तक तो बच्चों कॉम्प्रेस किया ही जा सकता है. इसलिए बोलते हैं कि गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल क्योंकि इन गैसेस देयर इज ए लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच लार्ज स्पेस होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सॉलिड्स और लिक्विड से कंपेयर करें तो गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है. तो स्पेस पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा तो पार्टिकल्स को तो कॉम्प्रेस किया जा सकता है जब तक कि गैप पूरा कॉम्प्रेस ना हो जाए, तब तक बच्चों कॉम्प्रेस किया जा सकता है. इसलिए गैसेस हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं. काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स गैसेस के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी काफी हाई होते हैं, सबसे ज्यादा हाई होते हैं
क्योंकि गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है. सो पार्टिकल्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू मूव. पार्टिकल्स के पास काफी अपॉर्चुनिटी होती है मूव करने के लिए तेजी से, इसलिए गैसेस के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी काफी हाई होते हैं. गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली. गैसेस बच्चों बड़ी जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं. जैसे कि आपने रियलाइज किया ही होगा कि हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग अपने बॉडी में बॉडी स्प्रे लगाते हैं, तो जब वो गैसेस में कन्वर्ट होता है तो एयर में बड़ी जल्दी डिफ्यूज हो जाता है. एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ये भी अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद एयर में बड़ी जल्दी डिफ्यूज हो जाता है. क्यों गैसेस में गैसेस बड़ी जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं? क्योंकि गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है. सो पार्टिकल्स बड़ी जल्दी से ऑक्यूपाई कर लेते हैं वैकेंट स्पेस को. गैसेस एक्सर्ट प्रेशर. चूंकि गैसेस के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी हाई होते हैं, सो पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस के, वे स्ट्राइक करते हैं वॉल से, कंटेनर के वॉल से जिसमें गैस रखा गया है, उसके कंटेनर के वॉल से स्ट्राइक करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया. तो बच्चों हम कह सकते हैं कि गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. क्यों गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते रहते हैं, एंड दे स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड अप्लाई द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर. सो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, इसलिए गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी. बच्चों गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है अगर सॉलिड्स और लिक्विड से कंपेयर करें तो. सबसे कम गैसेस की डेंसिटी होती है क्योंकि हमने आपको बताया था कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम. तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन लेता है? गैस. तो वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, और अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बच्चों डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से. तो वॉल्यूम ज्यादा, सबसे ज्यादा जगह कौन छेड़ता है? गैस. तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा गैस की होती है. सो डेंसिटी सबसे कम गैस की होती है. अब अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे बच्चों. तब तक के लिए आप यह सारे पॉइंट्स अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे. फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में.